सबसे पहले मैं अनअकैडमी को धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है माधव सोनी एंड आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट एट धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर। और अगर आप भी मेरी तरह किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके एक अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको भी मेरी तरह क्लैट या एलिट जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दीज लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी। इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अब आपको किसी बड़े शहर जाके किसी महंगी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्सेज को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो और अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करने से यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन ऑल्सो। अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया टू यू एट योर होम। एंड अपार्ट फ्रॉम क्लैट, अनअकैडमी ऑफर्स यू वेरियस अदर ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो लाइक JEE, NEET एक्सेट्रा। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देयर वेबसाइट। टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज द की टू सक्सेस। That's why an academy conducts a separate session for strategy discussions. इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में कोई भी डिफिकल्टी या डाउट आता है तो आप डायरेक्टली अपने मेंटर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सो प्लीज़ चेक आउट देयर वेबसाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं पूरा DNLU का कैंपस टूर देने वाला हूँ। ऑल दो ये मैं बिल्कुल बाहर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो आपको पीछे बैक में रोड दिख रही है ये रिज रोड कहलाती है। मैं पूरी रोड आपको दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअली ये जो रोड दिख रही है ना आपको, ये रिज रोड है और ये कैंटोनमेंट के अंदर। इस वजह से मैं सिक्योरिटी पर्पस के कारण मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक आर्मी पर्सन खड़ा है, कुछ बोलने ना लगे मुझसे। ये आप देख लो, इस साइड से भी गेट है और एक इस साइड से भी गेट है। तो आप जैसे ही रिज रोड पर एंटर करोगे, आपको लेफ़्ट साइड में थोड़े से आगे आके ये BSNL का जो ट्रेनिंग सेंटर है ना कैंपस, उसके अंदर हमारा DNLU जो कॉलेज है उसका टेम्प्रेरी कैंपस सिचुएटेड है। कुछ लेफ्ट साइड में ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसका नाम है भटनागर भवन। ये जो बिल्डिंग है ये 2019 बैच की गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल था। एंड ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये पार्किंग एरिया कहलाता है। सो यहाँ पे सारे ऑफिशियल्स की कार खड़ी रहती है, फैकल्टी मेंबर की, एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑफिसर्स हैं उनकी कार खड़ी है, क्योंकि फैकल्टी के लोग जा चुके हैं। बस एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मीटिंग चल रही है इसलिए वो रुके हैं। अभी टाइम अराउंड 6 इन द इवनिंग हो रहा है। ये बेसिकली जंक्शन टाइप का है। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो ये जो आपको लेफ्ट में बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है रमन भवन। ये एक्चुअली है ये बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे 2018 और 2019 दोनों बैच के जो बॉयज़ हैं यहाँ पे रहते थे, उनका अकोमोडेशन ये था। अनफॉर्चुनेटली जो 2020 के बच्चे थे उनको तो रहने का चांस ही नहीं मिला बिकॉज ऑफ कोविड। और जो मेरे बैक में आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ से देखेंगे तो ये जो सामने जो है एकेडमिक हॉल है ये। तो मैं पहले आपको बॉयज़ हॉस्टल का टूर दे देता हूँ हल्का सा, देन उसके बाद हम चलेंगे एकेडमिक हॉल में। एक्चुअली ये जो है यहाँ पे गार्ड भैया बैठे रहते हैं। यहाँ पे आपको जब भी आएंगे आप तो यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा पहले, देन उसके बाद तभी आपको एंट्री मिलेगी। ये हमारे गार्ड भैया हैं। सारा पूरा CCTV लगा हुआ होता है यहाँ पे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये जो यहाँ से एरिया स्टार्ट हो जाता है, ये सारे रूम्स हैं। लेफ्ट में देखेंगे तो ये अलग विंग है, देन उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे
राइट में देखेंगे तो यहाँ पे अलग विंग है। अभी क्योंकि हॉस्टल बंद है इसलिए सब लाइट साइट्स वगैरह सब ऑफ है, और मैं कराना भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि सारा जो मेन स्विच रहता है वहाँ से बंद है ये। यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है ये हमारा छोटा सा वॉलीबॉल कोर्ट है। रात में यहाँ पे सारी लाइटिंग वाइटिंग वगैरह लगी रहती है तो रात में भी आप खेल सकते हो अगर आप चाहो तो। सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कॉलेज में अवेलेबल होते ही हैं तो जिसको जो खेलना वो खेल सकता है। आपको नीचे से थोड़ा सा ओवर भी दे देता हूँ कि कैसे क्या रूम रहते। और भाई कुछ बात ज़्यादा बड़े सपने लेके आना मत, यहाँ पे एसी में जी कुछ नहीं मिलता, कूलर लगे मिलते हैं आपको सब आपकी विंडोज पे। सो ये है हमारी विंग, दो फ्लोर है और थर्ड फ्लोर पे जाना अलाउड तो नहीं है लेकिन चले जाते हैं कुछ लोग, मैं तो नहीं जाता भाई। यहाँ से आप जब आगे बढ़ेंगे मतलब ये जो आपको हॉल दिख रहा है ये बेसिकली मैस है यहाँ की, इस हॉस्टल की मैस ये है। और सारी बिल्डिंग की अपनी अपनी अलग अलग मैस होती हैं तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ हल्का सा। ये कुछ कुछ लगा हुआ ब्रेकफास्ट का चार्ट बाइक इसलिए लगा के रखी, टाइमिंग बच्चे तो है नहीं है। ये ऐसा मेन्यू सब डिसाइडेड रहता है, प्री डिसाइडेड रहता है सब कुछ। भाई यहाँ की भी मैं लाइट ट्राई करता हूँ, अगर ऑन हो जाती है तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। भाई एक्चुअली लाइट तो ऑन हो नहीं रही है, हुई तो थोड़ा सा बेसिकली आपको आइडिया लग गया होगा कैसा क्या रहता है। हाँ ये सो ये है हमारी मैस। ये जो आपको सामने दिख रहा होगा ये सर्विंग टेबल है, यहाँ पे वहाँ से आप प्लेट उठा लो देन उसके बाद सारा आप जो कुछ भी लेना चाहो आप सारा कुछ रखा रहता है, आपको खुद सेल्फ सर्विस रहती है। देन उसके बाद बस टेबल पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपनी मील। जोर से आप एंट्री करेंगे देन उसके बाद ये हमारा मैस है, और ये जो लेफ्ट साइड में डोर है यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया है और वाटर कूलर है। तो गाइस मैस से निकलने के बाद हम वापस चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर चेकआउट करते हैं मेरा रूम वूम कैसा है। मैं आपको हालांकि मैंने एक रूम टूर की वीडियो अलग से बनाई हुई है बट वो मैंने बस अपना फर्स्ट इम्प्रेशन दिया था कि भाई कैसा क्या लगता है दो साल बाद रूम को ओपन करने, मतलब दो साल के बाद रूम को ओपन करने के बाद। भाई जो भी है समझ लो। अबे साले तभी मैंने माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ यार। दो साल बाद रूम खोला था मैं, दो तो नहीं वन एंड हाफ। सो जैसा सेम नीचे था वैसे ही ऊपर है, यहाँ पर भी एक विंग इस साइड है देन उसके बाद एक विंग इस साइड है, यहाँ पे लास्ट में मेरा रूम है और एक दो रूम यहाँ पर भी हैं। वह यहाँ पे एक गेमिंग रूम भी है जिसमें कि छोटे मोटे इंडोर गेम्स जो है ना टेबल टेनिस वगैरह वो रखे हुए हैं, चेस वगैरह भी हैं साइड तक। सो भाई ऊपर से कुछ देखने पे ऐसा लगता है speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another.
सो गाइस इस विंग की जितने भी रूम हैं उनके लिए एक कॉमन टॉयलेट ये है, टॉयलेट नंबर 5 है। यहाँ पे 2 वॉश बेसिन रहते हैं और 3 शॉवर एरिया रहते हैं, ये जो सामने देख रहे हैं 2, और एक वो जो कॉर्नर में है वो, और ये जो 2 देख रहे हैं आपको सामने, ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये वॉमिंग एरिया है। ओके अब ज़्यादा भाई डिटेल में मत देखो ये सब चीज़ें। और ये ऊपर आपको दिख रहा होगा गीजर, इसको इग्नोर करना यार प्लीज़, वो हो गया होगा ख़राब प्लीज़। और ये थोड़ा एक वाटर रिजर्व रखा रहता है इफ़ इन केस पानी ख़त्म हो गया तो। सो हम बाहर निकलते हैं यहाँ से और अब हम मेरी विंग में चलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया ना अभी कि मेरा रूम था वहाँ पर। वैसे अभी आपने देखा होगा कि हम लोग नीचे से ऊपर आए फर्स्ट फ्लोर पे, और जब मैंने आपको बताया था कि ये मेरा जो लास्ट में रूम है, सो थोड़ा सा रूम मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा क्या है। सो भाई ये है मेरा रूम, टॉयलेट के बिल्कुल पास है, ज़्यादा दूर उठ के जाना नहीं पड़ता, सुबह भी बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाते। वाटर कूलर भी मेरे बिल्कुल सामने, ये वही वाला वाटर कूलर है जो बस्सी सर ने बताया था उनके स्टैंड अप में। और ML से उठा के सीधे हम यहीं लेके आए उसको। सो गाइस ये है मेरा रूम, रूम नंबर 128। सो मैं आपको अंदर से चल के दिखाता हूँ, लेट मी ओपन द डोर। भाई चाबी कहाँ गई? आई नो चाबी है यार कमरे के। भाई मैं चाबी भूल के आ गया कहीं। अब तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मैंने 1.5 साल बाद आके रूम ओपन किया था, इसकी हालत बहुत ख़राब है। और ये मेरे टॉयलेट के बाजू वाला रूम है, तो इसकी एक दीवार पे सीलन आती है, सिर्फ यही वाला रूम थोड़ा सा डिस्टर्ब, बाकी रूम सारे सही है। तो माइंड मत करना कि भाई DNLU का रूम तो इतने ख़राब है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। भाई ठीक है, अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं है ऑब्वियसली। सो ये मेरा बेड है और ये वाली दीवार तो ना ही देखो आप, ये मेरे रूममेट का बेड है। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। और भाई मिरर, मिरर से तो अलग ही प्यार है भाई मेरे को, इतना शानदार मिरर है ना। और ये विंडो को इग्नोर कर देना प्लीज। भाई बहुत शानदार मिरर है, मतलब एक ही चीज मेरे को इस रूम में पसंद आई है, ये वाला मिरर सिर्फ, बहुत शानदार मिरर है। और ये विंडो है हमारी जिसपे कि मैंने बताया था जैसे कि विंडो कूलर लगे हुए हैं। और ये कर्टेन कॉलेज का नहीं भाई, मैं पर्सनल लेके आया था खुद का। अरे साले जब। और ये हमारी बेडिंग है, एक टेबल प्रोवाइड की गई है, एक चेयर प्रोवाइड की गई है, चेयर सिर्फ काम आती है मेरे सामान रखने का, तो बैठ के मैं आज तक नहीं पढ़ा हूँ, बेड पे ही बैठ के पढ़ता हूँ। और ये पीछे बैक में आपको एक मिनट, ये जो है 3 कवर्ड हैं जिसमें कि एक ये जो फर्स्ट वाली है मेरे रूममेट की है, जो मिडिल वाली है ये मेरी है, देन उसके बाद जो कॉर्नर वाली है वो हम दोनों की कॉमन है, इसमें हम यूजुअली अपने शूज वगैरह जितना भी कवाड़ा रहता है वो रूम का उसमें डाल कर रखते हैं। और भाई ये जो इमर्सन रॉड लेके आया था ना मैं, आज तक यूज़ ही नहीं किया मैंने, क्योंकि भाई यहाँ पे भी गीज़र लगा हुआ है और मेरे को इतना टाइम नहीं रहता कि भाई गर्म पानी करूँ, मैं ठंडी में भी ठंडे पानी से नहा लेता था, फिर फीवर आ जाता था उसके बाद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और ये जो सामने दिख रही है मेरी हॉकी स्टिक है भाई, मैंने नई परचेज ही की थी भाई, लॉकडाउन लग गया, ये देखो भाई नई की नई थी और मैं खेल ही नहीं पाया इससे। सो गाइस रूम देख लिया आपने, अब हम वापस से चलते हैं अपने रमन भवन के एंट्रेंस पे, देन वहाँ से मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई इस बार मैं भूल नहीं रहा हूँ, लाइट ऑफ कर दी है, और मैं हमेशा डेली बिल्कुल ध्यान से, जब भी मैं कॉलेज जाता था डेली सुबह मॉर्निंग में ये दोनों चीज़ ज़रूर बंद करके आता था, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी सेव करोगे ना तो इनडायरेक्टली बहुत सी चीज़ें सेव हो जाती हैं, वाटर। और ज़्यादा दिमाग का मैंने लगा नहीं रहा, वाटर का मुझे पता है। ओके ये होता है ब्लॉगर, वीडियो बनाने के चक्कर में ये मैं भूला जा रहा था, ये अभी तो रूम के सामने था, ऐसा नहीं तो कहीं और भूल जाता फिर प्रॉब्लम होती। भाई मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा कैंपस है पूरा CCTV से लैस है और वाईफाई से, सो आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी, ये जो सामने पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मॉडम ऐसा कुछ बोलते हैं, सर्वर रूम बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है भाई, तो वाईफाई सब अवेलेबल रहता है।
और ये जो है हमारे केयर टेकर हैं, इनके नंबर नंबर पे आपके लिए कॉल करके परेशान रहता मत करना। ये हर एक हॉस्टल के हर एक विंग के अपने अपने जो केयर टेकर रहते हैं उनके नंबर से कोई भी प्रॉब्लम रहती है आपको रूम में, कोई भी समस्या आती है आप डायरेक्टली उनको कॉल करके बता सकते हैं, सर ट्यूबलाइट ख़राब होगी, फ़ैन ख़राब हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये आपको दिख रहे होंगे ये CCTV सारी विंग में, सारे हॉस्टल्स में, पूरे कैंपस में लगे हुए हैं। ये बाहर का एरिया है, बाहर से मतलब कैसी गाड़ी दिखती है बिल्डिंग। ये छोटा सा गार्डन है, वो जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये मेरा रूम था, वहाँ से रूम से मैं आपको दिखा नहीं पाया गार्डन, ये पूरा छोटा सा गार्डन रूम से दिखता है तो अच्छा लगता है। हम लोग वहाँ से आए थे, अंदर गए, अंदर से वापस आए, देन उसके बाद अब ये वाले रूट से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्लेग्राउंड। डॉक्टर घनश्याम, इज्जत कमाने के लिए इतना कुछ किया और इत्तू से किले गवा दी ना, घर पे लगाओ नेरोलैक्स सुरक्षा। अंदर मैंने आपको वॉलीबॉल कोर्ट तो दिखा दिया है, उसके बाद एकेडमिक ब्लॉक के पीछे है हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी है, और यहाँ पे जो है ये तो भाई ये तो यूनिवर्सल है, जो खेलना वो खेल यहाँ पे। बेसिकली ये था फुटबॉल का प्लेग्राउंड, और पीछे उसमें दिख रहा होगा आपको बास्केटबॉल का, ये अभी दरवाज़ा बंद है पता नहीं मेरे को, ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे ये फुटबॉल प्लेग्राउंड है और उसके पीछे जो है बास्केटबॉल कोर्ट है। भाई घास बहुत ज़्यादा उग गई है, और यहाँ से आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे सिटिंग एरिया है, गेट बंद है तो मैं जा नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ दिख जाए। हल्का सा दिखा होगा आपको भाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है यार, पूरे में घास घास उग गई है। वेट करने के बाद मैं आया हूँ वापस से यहाँ वीडियो बनाने एकेडमी कॉल का।